सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, MPSC PCET स्कोर कार्ड की वैधता संबंध में एक आदेश का हम पालन करते हैं। 18 सितंबर 2021 की आज की न्यूज़ है। भोपाल मध्य प्रदेश शासन की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2021 को दिशा प्रणय नागवंशी उप सचिव के हस्ताक्षर से कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के संबंध में नवीन आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार CT स्कोर कार्ड की, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गलत छपा है, CPCET स्कोर कार्ड की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। आदेश में लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2015 को शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पद पर संविदा अथवा नियमित नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCET टेस्ट के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, MPSC PCET स्कोर कार्ड की वैधता वाला आदेश भी यहाँ पे संलग्न है। इसमें दिया है, राज्य शासन एतद् द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCET के प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित की वैधता अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष निर्धारित की जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश अनुसार दिशा प्रणय नागवंशी उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग। तो साथियों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।